हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सो हम जा रहे हैं आज ग्रॉसरी लेने। सो आपको दिखाता हूँ कि कनाडा में ग्रॉसरी का क्या सिस्टम होता है, और वेदर दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। वेदर बहुत अच्छा आ रहा है। ये खड़ी है हमारी कार, इसको ज़रा करते हैं गरम, स्टार्ट करते हैं इसको। बंदे भाई घूर रहे हैं हमको, और हम जा रहे हैं आज ग्रॉसरी लेने। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ग्रॉसरी का क्या सिस्टम है। फिलहाल आपको कनाडा में रहता हूँ तो आप सबको ऐसा लगता होगा कि कनाडा के अंदर मतलब कि इंडियन सामान नहीं मिलता होगा, बट भाई सब कुछ मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स भी हैं, बड़े स्टोर्स भी हैं जिसमें इंडियन सामान भी बहुत ज़्यादा मिलता है। सो आज मैं आपको स्टोर की एक छोटी सी लुक दिखाऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है भाई वहाँ पे, जो मर्जी ले लो। सो बस इंजॉय करिए मेरे साथ मेरी राइड को, और दिखाता हूँ मैं आपको सब कुछ, दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा और वहाँ का मीन्स सारा सिस्टम कैसा होता है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को डाउट है कि बाहर का सिस्टम होता है कैसा सब्जियों वाला। सो वो मैं आपको सब दिखाता हूँ, सब बने रहिए मेरे साथ। सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं स्टोर के अंदर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है एंट्री जहां से हम एंटर करते हैं। ये पास में फूल पड़े हैं, वहां पे भी कुछ प्राइजेस लिखे हुए हैं। यहां पे हर चीज़ के ऊपर प्राइजेस लिखे होते हैं। यहां पे आप देखेंगे कुछ सब्जियां अदरक वगैरह पड़ी हैं साइड में। ये बने हैं शेल्फ जहाँ पर आपको हर तरीके की सब्जी मिलेगी, गाजर वगैरह। यहाँ पर हर पूरे स्टोर में अलग अलग तरीके के शेल्फ बने हैं। कहीं पे आपको मीट मिलेंगे, कहीं पे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगी, कहीं पे आपको खाली दूध वगैरह मिलेंगे। इसमें आपको आगे भी दिखाता हूँ पूरा। सो भाइयों, अब तुम्हारा भाई डालने लगा है सब्जी पॉलिथीन के अंदर, और बड़े ही जोर ज़बरदस्ती करके इस गोभी के फूल को हमने इसमें डाला है। भाई मैं तो इसमें डालते डालते मैंने इसमें दो पन्नियाँ पहले फाड़ दी, ये तीसरी पन्नी है जो मैंने बहुत मुश्किल से डाली। मैं आपको दिखाता हूँ ये सेक्शन, ये देखिए यहाँ पे सब प्याज व्याज सब पड़े हैं भाई। यहाँ पे आपको अंगूर दिख जाएंगे, स्ट्रॉबेरीज दिख जाएंगी। ये देखिए स्ट्रॉबेरीज एक कुछ दिन में ख़राब हो जाती हैं। ये देखो भाई, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। हम सिर्फ सोचते हैं कि इंडिया में ही है भाई। ये देखो पाइनएप्पल पड़े हैं एक से एक, जितने मर्जी उठा के खा लो भाई। ये ऐसी जगह है यहाँ पे आपको केक तक मिल जाएंगे। वहाँ पे अगर आप सब्जी लेने जाते हो आपको सिर्फ सब्जियाँ मिलती हैं, यहाँ पे सब्जी से लेके केक से लेके दूध दही टॉवल सर्फ सब कुछ मिलेगा आपको, हर एक चीज़ मिल जाती है। क्या नहीं है यहाँ पे। ये देखिए स्वीट्स वाले भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, आपको खाली स्वीट्स मिल जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको है ना नमकीन वाले कुछ भी खाने को मिल जाएंगे। ये बनारसी ये चीज़ यहाँ पे लंबे लंबे ब्रेड हैं भाई, बर्गर वाले ब्रेड हैं, टोस्टेड वाले ब्रेड हैं, मतलब हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको क्या खाना है भाई पूरे के पूरे स्टोर में। यहाँ पे ये सेक्शन है, ये आता है रीफर वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको मांस मच्छी जो भी खाना है, आपको मीट वगैरह मिल जाएंगे, इंडियन कुरकुरेज मिल जाते हैं आपको। और अगर आप मुझे देखिए कितने स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। टोकरी हमने आधी से ज़्यादा भर ली है, महारानी हमको हुक्म दे रही है कि चलो उधर की साइड चलते हैं, तो हम उसके पीछे पीछे चल पड़े हैं। साथ में अगर आप देखेंगे मेरी टोकरी, मैंने गोलगप्पे भी उठाए हैं भाई। खाने में मज़ा आता है गोलगप्पे का, क्यों नहीं उठाएंगे, बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको अपना थोड़ा सा पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है स्टोर, कितना बड़ा है भाई, बहुत बढ़िया स्टोर होता है यार, सब कुछ बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, कौन सी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, हर एक चीज़ है यहाँ पे भाई। ये देखिए मेरे गोलगप्पे झलक रहे हैं सामने, पानी पूरी लिखा है इसमें, इसके अंदर पानी बनाने वाला सारा सामान मिलता, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। अब हम आए हैं दूध वाले सेक्शन में, यहाँ पे सब कुछ आपको दूध वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए मेरे पीछे स्टोर कितना बड़ा है भाई, शेल्फ बने होते हैं अलग से अलग, आप मतलब 8-9 शेल्फ बने होते हैं, आपको हर एक शेल्फ में आप घूम सकते हैं, हर एक शेल्फ में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी देखने को। यहाँ पे हम लोग लड़ते हुए कि हम कौन सा सामान लें कौन सा सामान ना लें, जैसे कि लड़कियाँ लड़ती हैं, मैंने ये लेना है, तो मैं भाई इनसे बहस करते हुए कि नहीं भाई लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, यहाँ पर रख दो। बट कहाँ मानती, कहाँ लड़कियाँ मानती हैं आपको पता ही है।
तो फिर हमारी बहसबाजी खत्म हुई, हम आगे चले और मुझे दिख गया आइसक्रीम वाला सेक्शन। तो भाई बस फिर क्या था, हम टूट पड़े। हमने आइसक्रीम उठाई रखी, अब हम आ गए बिलिंग वाले काउंटर पे। यहाँ पे सामान उठा के बहुत इजी होता है बिलिंग करना, सामान उठा के बिलिंग काउंटर पे रखो, वो लेडी आपको बिल करेगी एक एक सामान, और आप आगे जाके उस सामान को उसमें भर लो। ये लो भाई हमने उठा के इसमें रख लिया और वी आर डन। अब हम जा रहे हैं बाहर अपना सामान लेके गाड़ी की ओर चलते हुए। पर जो भी बात है, जब हम बाहर निकले तो भाई बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, मज़ा आ गया मौसम देख के। ये देखिए भाई मौसम कितना कैंट हो रहा है बिल्कुल। आप बस अब हम यहाँ पे पागलों की तरह अपनी गाड़ी ढूंढते हुए कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। फिर हमें ध्यान आया कि गाड़ी तो हमने उस तरफ लगाई है। फिर हम अपनी गाड़ी की ओर चलते बने। तो ये अब हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। तो वही बस सामान उठा के अब हमने अपनी गाड़ी में रखना है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन। और ये हमने गाड़ी की डिग्गी खोल दी, अब हम एक एक करके उठा के सामान रखेंगे। भाई सबसे पहले हम उठा के फेंकेंगे शेर को डिग्गी में। भाई कभी शेर को डिग्गी में देखा? आज देख लो। भाई हम दूसरा सामान उठा के डालेंगे। अब हमने ये उठा के डाला दूसरा वाला थैला, अब एक और भरा पड़ा है नीचे, वो भी उठा के डालेंगे। उधर की साइड है ये गोभी का फूल, मन तो कर रहा है किसी के सर पे दे मारूं, पर क्या फायदा, नीचे ही रख दो। अब भाई अब हम उठाएंगे आखिरी वाला बैग, ये हरा वाला बैग, ये उठाएंगे हम। कुरकुरे से भरा पड़ा ये बैग भाई। यहाँ पे आपको पता है जब आप सामान रख देते हो तो आपको इस ग्रॉसरी कार्ट का क्या करना होता है, इसको आपको लगा के आना पड़ता है इसकी जगह पर। वो भी बड़ा बढ़िया सिस्टम होता है, इसके अंदर जब आप इसको ओपन करते हो तो इस सिक्के के इससे खुलता है। जब आप इसको वापिस जाके लगाते हो तो आपको ये जो वायर लटक रही है इसको उसमें इंसर्ट करके और अपना सिक्का वापस निकालना होता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाला हमने इसको अंदर और ये पकड़ा हमने इसको और इसके अंदर डाला, और पीछे से हमारा 25 सेंट का सिक्का निकल आएगा। भाई सिक्का लेके तो तो हमने जाना भाई ही है, मिलते बिना हैं हम सिक्के के लोग नहीं हम आपको जाने नई वाले। वीडियो में, तब तक तो ये चैनल को निकला। सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और बाय, टेक केयर।